नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम फ्राई अरबी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने अरबी ली है। अरबी को मैंने कट करके अच्छी तरह रख दिया, काट लिया था। फिर इसमें मैंने नमक लगा के इसको रख दिया था। फिर मैंने इसको अब अच्छी तरह धो लिया है कि नमक लगाने से इसकी क्या सारी लेस खत्म हो जाती है। अब इसको मैंने धो लिया है। अब हमने कोई प्याज टमाटर लहसुन अदरक कोई मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ सूखे मसाले की बनाएंगे। ये झटपट बनने वाली अरबी है। मैंने इसके लिए तेल मैंने गैस पे रख दिया है। ये तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ये तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम ये अरबी डाल देंगे। ये अरबी डाल देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। ये देखो अरबी हमारी ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको में सूखे मसाले डालेंगे। ये नमक डालेंगे, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि पहले नमक हमने अरबी में लगा के रखा था। इसमें हम ये सूखा धनिया डाल देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे इसमें। थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। साथ में हम इसमें अनारदाना डालेंगे, पिसा हुआ अनारदाना। अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे, अनारदाना डालेंगे। अनारदाने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। हम इसको ढक के रख देंगे थोड़ा हिला के। इसको मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के रख देंगे थोड़ा, कि मसाला अच्छी तरह अंदर तक रस जाएगा। ये जल्दी बनने वाली है, फटाफट बन जाएगी। इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, गैस को मीडियम फ्लेम कर देंगे। ये देखो आप ढक्कन डाल लेते हैं इसके। ये देखो अच्छी तरह मसाला अरबी में लग गया सारा, जो हमने फ्राई करी थी। देखो अरबी को देखते हैं, एकदम अच्छी तरह है। ये गल गई है अच्छी तरह। इसको हम इसका ग्रेटिंग करेंगे। थोड़ा सूखा हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ इसके। हरा धनिया डाल दिया बीच में, जिसमें हम ग्रेटिंग करेंगे इसको। इसको हम झटपट बनने वाली अरबी है हमारी। अगर जो ये आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।